गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर सब बढ़िया हैं। और आज डॉक्टर साहब जल्दी आ गए, सुबह गए थे वो, सुबह 6 बजे निकल गए थे यहाँ से, कुछ इमरजेंसी केस था इसीलिए। तो अभी वो टाइम से आ गए, 1 बजे आ गए थे, उन्होंने खाना भी खा लिया क्योंकि सुबह जल्दी गए थे तो बिना खाना खाए गए थे। नमस्कार, तुम यार कपड़े नहीं पहन के बैठते हो, कपड़े के नहीं, गर्मी बहुत हो रही है, पसीने आ रहे हैं, अभी आकर नहाए हैं और तब भी देखो इतने पसीने आ रहे हैं। अब बजने वाले हैं 2 बजे आएंगे बच्चे, अभी 2:30 बजे में अभी, और वो बाहर वाली घड़ी में अभी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि बच्चे आए जब ही खाना खाऊं उनके साथ में। यहाँ पे लाइट ना फ्लिक ऐसे होती है जी। चलो बच्चों के साथ मिलते हैं। देखो 2 बज गए हैं, बिस्किट खा लो आप, बच्चों को लेने चलते हैं। आप आज लेने जाओ ना, बच्चे खुश हो जाएंगे, पापा आप कैसे आज जल्दी जल्दी आ गए। 2 बज रहे हैं बस, आने वाले हैं। आप टी शर्ट पहन लो अपनी, बस मैं चल रही, यहीं से चलेंगे, मैं भी तो चल रही हूँ साथ में, मैं उसके दुकान में खड़ा हो जाता हूँ। चल चलते हैं, मैं भी चल रही, चलो हमें व्लॉग बनाऊंगी, चलो टी शर्ट डाल लो बस। आप लेने जाओ या आ जाते हैं। इताक से डांस कर रही है। उसे ले आओ बैग को, आ जाओ रिशु, आ जा रिशु, आओ रिशु। आपको पापा को देख के कैसा लगा? मजे आए। हाँ एक भैया थे मुझे रोने वाला कह रहे थे, मैंने कह दिया आप मेरे से रोने वाला ज्यादा हो। उन्हें कैसे पता आप रोती हो? अरे मैंने बोल दिया ना उनके मुंह पे। व्लॉग देखते हैं क्या वो? नहीं मैं तभी कह रहे रोने वाला, मैंने कह दिया कि आप मेरे से रोने वाले ज्यादा हो। हाँ। क्योंकि आपके मुंह पे लिखा है। हाँ, सही कहा, जवाब दिया, सब उनके ऊपर हंस रहे हैं। तो आज ये लोग खाना नहीं खा रहे, जो कल अपनी नमकीन लेकर आए थे, ये नमकीन खा के बैठी हुई है, ये इसे लेके बैठी हुई, खा के बोल रही हूँ, लेकर बैठी हुई है। और बिस्किट खाना नहीं खाना, 3-4 बजे तक आ जाओ। और ये कर रहे हैं इसी वाले भैया से बात कि वो आ जाए, आज तो कंफर्म कर दिया उन्होंने कि मैं आ जाऊंगा आज। और ये क्या हो रहा है भाई, इधर देखो ऊपर क्या चल रहा है, लूडो। आज ताची की फ्रेंड आ गई है, चारों मिलके खेल रहे लूडो। हाय कर दो बच्चों। हाय, कैसे हो आप दोनों? कैसे हो? कल मैं नीके पापा को देखने गई थी हॉस्पिटल, कैसे हैं पापा? ठीक है, वेरी गुड। कल आ जाएंगे ना घर? हाँ। नहीं परसों। परसों आएंगे? हाँ। चलो कोई बात नहीं, वैसे वो ठीक है बिल्कुल, है ना? हाँ। ये मुर्गा रिशु कर रही है, रिशु रिशु भी, रिशु मैडम भी लूडो खेल रही है। खेल लो। डॉक्टर साहब यहाँ लेटे हुए हैं, क्या हो गया? आज जल्दी आ गया, आप कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है, ऐसा लग रहा है पड़े रहूंगा सारा, रिलैक्सिंग मोड, रिलैक्सिंग है ना। क्या लग रहा है भैया, गैस ही कम है कुछ और है? नहीं गैस खत्म, गैस ही है। हाँ। बस लीकेज देख रहे हैं कि लीकेज। अच्छा, लीकेज तो नहीं है कहीं से, ऐसा खत्म नहीं हो गया। हम्म, जब तक लीकेज नहीं होगी कहीं ना कहीं। ये दोनों दो, अरे भाई कुछ कहीं कुछ कहीं, क्या हाल हो रहा है रूम का? ये बताओ क्या बनाऊं खाने के लिए? कौन सी पकौड़ी चाहिए? अरे वो फिश वाले, अलग अलग मकीन्स नहीं, पकौड़े मम्मा, वो जो अलग अलग शेप के आती है हमारे यहाँ पे रखे, वो फिश वाली होती है, वो गड्ढे गड्ढे जो तेल में से। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। मैं कहूंगा तो मैं तन्नू के साथ बैठी रहती है, लेते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, अभी तो उठी हूँ मैं यहाँ से, मैं दोनों के साथ बैठती हूँ। चलो बताओ जल्दी क्या खाना है, बनाती हूँ मैगी। अभी ये रूम इतना गंदा हो रहा है ना, देखो एसी भैया चला के गए, इसमें ना गैस कम हो गई थी, भैया ने गैस डाली है अभी इसमें, और लगभग बेचारे कब के आए हुए थे पता है, 4:30 बजे के शायद, और अभी 8 बज रहे हैं, इतनी देर से वो लगे हुए हैं, उन्हें लीकेज ही नहीं मिला था, ये कहाँ पर लीकेज है। और यहाँ मेरा काम फैला हुआ है, आज मैंने वो डिब्बा भी वॉश कर लिया जिसमें मुझे घी करना है, और आटा भी लगा के रख लिया, अभी लगाया था ताजी ताजी, उसे रख दूंगी, थोड़ी देर बाद रोटियां सेक दूंगी जिससे जैसे खानी होंगी। और
भाई बच्चों को दे आई थी मैं, बर्तन साफ करती हूँ, उनके लंच बॉक्स भी ये सब क्लीन कर लूँ, किचन साफ करके जल्दी से फ्री होती हूँ काम से। और पता है मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, ये बर्तन यहीं पड़े हुए हैं, गलत चीज है ना ये, कब से लगी पड़ी हूँ मैं उसमें किचन में। और उस रूम में चलो, वो रूम ठंडा हो रहा है, एसी सही हो गया आज, आज जाके उस कमरे में जाने को जी करेगा। या फिर यहाँ पे एसी ऑन कर लो फिर, आ जाओ भाई। और मैंने अपना घी भी देखो बर्तन फाइनली आज खरीदिए, ये डिब्बा ना अच्छे से धुल गया जो रेगुलर यूज होता था, और धुल के सुखा कर इसे और फिर मैंने भर दिया, इतना घी हो गया आज मेरा, काफी काम निपट लिया। अब बैठती हूँ अंदर रूम में, उसकी देखती हूँ कि कितना ठंडा कर रहा है रूम। आ हा 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 हा, ओए ओए फाइनली रूम ठंडा हो गया, और कितने दिन बाद जाके डॉक्टर साहब मुझे इस रूम में इस पोज में दिखाई दिए हैं, काफी नहीं ज्यादा दिन हो गए होंगे यार। मैं इससे कहता रहा था कि भैया जब मैं ठीक करके गया था इसे, हाँ। उसके बाद कितना टाइम हो गया, हाँ। मैंने कहा भैया 8-10 दिन, 8-8 दिन चला होगा, और उसके बाद से हम बाहर वाले कमरे में सिट्टे हैं। ना ना 8-10 दिन चला होगा, 15 दिन चला होगा, हाँ। मैंने कहा कम से कम 12-13 दिन तो बाहर वाले कमरे में हो गए। सो इतना अच्छा कूलिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस रूम की जान अब आई है, जब तक इस रूम में आया नहीं जा रहा था, और हिताक्षी और ऋषु को तो रूम में आने में डर लग रहा है कि मम्मी मैं नहीं जा रही उस रूम में, अजीब सा लग रहा है, जाते ही नहीं है भाई। तो जब जहाँ पे ठंडक होगी गर्मियों के टाइम में वहीं पे तो बैठेगा इंसान। तो फाइनली आज जान में जान आई और अपने कमरे पे अपने बेडरूम में आ गए, ये आ गया, मजा आया। वहाँ पे कुछ कपड़ों में तेकर के रख रखी है, कपड़े उठा के ले आऊँ यहाँ पर रख दूंगी। एक्चुअली जब वो सही कर रहे थे तभी मैं कपड़े उठा लाई थी छत पे से, मैंने वहीं बाहर लगा दी थी तेकर का, तो यहाँ अलमीरा में लगा देती हूँ। और अलमीरा हम पता है तीनों हमारी सबकी कबर्ड इतनी खराब हो रही है ना, सब ठूस ठूस कर हो गए कपड़े, थोड़े दिन बाद ऐसे हो जाते हैं कितना भी सेटल कर दो। तो अब मुझे वो कपड़े भी सेट करने हैं, कल या परसों को जैसे टाइम लगेगा मैं उसे भी कर लूंगी। हेलो, मजा आ रहा है, मुझे बताओ क्या खिलवाओगे, ताकि क्या खाना बेटा, रोटी सब्जी तुम्हारे लिए वही रखी है यार, मेरा जी नहीं कर रोटी सब्जी खाने का, तो कुछ मत खाओ, दूध पियो, मैं नहीं बैठ घर रहो। ताकि प्लीज याद आऊंगा, सारा दिन आज इसी में लग गया, तो मैं भी तो लगी पड़ी हूँ अब से, बिल्कुल सही बात, कब से मैं वो काम करते करते हो गया, कर ही रही हूँ अभी आपके साथ बैठी हूँ, कोई आपकी चाय भी रखी है। लाखों में गाड़ी आती है, वो छोड़ के तुमने टीवी सस्ती क्यों चुराई, अब वो चाहे ना, अब मुझे सर गियर डालना नहीं आता इसीलिए। अच्छा चलो तुझे गियर, अरे काम हो गए, लो भाई आपका ऑर्डर। Happy? Yes. लो भाई यो आ गया हमारा ऑर्डर, आपके फूफा का ऑर्डर होगा, तुम मेरे फूफा के पीछे क्यों पड़ जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है फिर समझे, हटो आओ ताक्षुकम, पता है 11 बजे तक खुलता है रेस्टोरेंट, हाँ मैंने पूछा था अभी इससे, बोला रात को 11 बजे तक खुलता है, तुम्हें मंडी क्यों डाल रही, मंडी डालूंगी तुम्हें, फिर फूफा का नाम क्यों नाम लेते मेरे फूफा का, वाह भाई वाह क्या कहने, ले भाई आगे हमारे नूडल, ये सिर्फ स्नैक्स बनाते हैं, हाँ ओनली स्नैक्स, आओ टेस्ट करो, चलो पक्की बात है। एक बात तो बताओ, चटनी तो इन्होंने दी नहीं, चटनी कहाँ डलती है इनमें, मतलब वो नहीं दे सकते, मीठी वाली चटनी डलती है वो तो केचप डाल लो आप, मतलब इन्हें इतने फैट टाइगर से इनका फैट भी नहीं आया इतना, कोई नूडल्स में डालता नहीं है वैसे, अरे दादी अलग से तो दे, मैं मेरे मुंह पे लगा दिया, तो गाइस नूडल्स तो हमने खा लिए, और नूडल में लेके इतना ऑयल था ना, मैंने पिक मैं आपको दिखाऊंगी कि बॉक्स वैसे मैंने थ्रो कर दिया जहां से हमने ऑर्डर किए थे, मैंने वहां पे कॉल किया उन्हें बताया कि भैया इसमें बहुत ऑयल आया था नूडल्स में, और यहाँ डॉक्टर साहब हो रहे थे नाराज,
ये क्यों मंगाए तुमने, हम वहीं पर जाते वहीं पे जाके खा लेते। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, इनको ना घर पे ऑर्डर करके मंगाना अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं अगर बाहर का खाना है तो फिर बाहर चल के वहीं खा लो, घर पे मंगाने की क्या जरूरत है। मैंने चलो कोई बात नहीं है, बच्चों का मन था और मेरा भी मन था तो मैंने मंगा लिए। सो और अभी क्रेविंग हो रही कुछ मीठा खाने की, अब मैं क्या मीठा खाऊं सोच रही, रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ, रूह अफ़ज़ा पीती हूँ तो थोड़ी शांति मिल जाएगी ठंडा ठंडा पीकर। क्या आज डॉक्टर साहब मैम के लिए रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं? नमस्कार करते हैं हम, प्लीज 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 कोई फिल्म नहीं, नहीं 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 मुझे बात नहीं माननी आएगी नहीं, चलो चलो प्लीज मेरे पास की बात मैं नहीं, मुझे नहीं पता आज आज आप ही बना के दोगे रूह अफ़ज़ा? हम बनाएंगे। नहीं नहीं आप बनाओगे, देख लो फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी बता रही। नहीं 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 मैं ये फायरिंग तो करते हैं ना बाद में, प्लीज उठ जाओ यार उठ जाओ, मुझे सो जाना। नहीं 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 ये बात नहीं, नहीं। अभी अभी आपने प्रॉमिस किया था, ताक्षु किया था, पापा ने प्रॉमिस नहीं किया था वहाँ जाना, मैं तुम्हारे साथ। नहीं 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 चलो आओ खड़े हो जल्दी 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 जल्दी, बहुत हो गया, चलो मेरे पास चलो, उधर ही चलो किचन में चलो। बताओ हद है, मैं बात नहीं करूंगी फिर, मत करना। देख लेना मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना, चलो खड़े हो तुम लोग, ये कैमरा हटा दे बस, हटा दूंगी तो पहले चलो पहले बोलो बना के दोगे ना रूह अफ़ज़ा, पहले बोलो तभी कैमरा बंद करूंगी मैं कैमरा नहीं बंद करूंगी फिर, तुम्हारे ऊपर ऐसी कैमरा रखूंगी नहीं मानते बात को। ऐसे ऐसे हस्बैंड होते हैं कि एक बार कहने की मतलब मैं बना के देता हूँ, कभी आज तक तुमने कभी कहा कि ला तेरे लिए मैं ये चीज बना देता हूँ? इसीलिए तो मैं यूनिक हूँ जनरली, कहीं यूनिक नहीं, किसने कहा तुम यूनिक हो? चलो मैं यूनिक नहीं हूँ ना, तो किसने कहा नहीं यूनिक हो या नहीं हो? तुमसे कभी अगर मैं खुद कह रही हूँ तो मैं तो कभी खुद लगता नहीं, अगर मैं कह रही हूँ तो मेरी तो बात मान सकते हो। मैं क्या कह रही हूँ आपसे ताक्षी, पापा को बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? यस अगर मान ही रहे हो तो मेरे लिए भी एक ग्लास बनाते ना, ज्यादा नहीं बस एक। देख लो आपने मुझसे कहा मैंने बनाया नहीं बनाया था हैं? देख लेना बात मत कर लेना, ये फोन फोन जब भी बंद होगा आप कहो कि हाँ मैं जवाब बना रहा हूँ, एक बार कह दो मैं बना रहा हूँ, इसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, बोलो मैं बना रहा हूँ। मैं नहीं बना रहा, बोलो मैं बना रहा हूँ। बना ले फिर, रोक कौन रहा है जो बना रहा है? नहीं आप बनाओगे, आप बनाओगे, आप बनाओगे, आप। मैं बता रही हूँ गुस्सा आ रहा है फिर, मैं भी बता रहा हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है फिर, ड्रामा ड्रामा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं बता रहा हूँ तुझे, अभी तुमने एक पत्नी का गुस्सा नहीं देखा। मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, तो फाइनली हमने डॉक्टर साहब को मना ही लिया, इसे तो बंद कर दो, किसी ए, लो कर दिया बंद। यस यस डॉक्टर साहब आई लव यू सो मच, तुम्हारे ब्लास्ट को मैं ब्लॉग में लेती हूँ क्या? क्या कर दिया बॉटल गिरा दी यार, देखना थोड़ा सा बच गया था जब बनाया था तो ऐसा हो गया, इसमें थोड़ा पानी वगैरह डाल दे, इसी में डाल दे आज हो क्या रहा है? अरे बहुत खुश हूँ, मुगैम्बो खुश हुआ, मुगैम्बो खुश हुआ। यस ठंडा कम, वो मीठा कम नहीं हो जाएगा ये? आए झूम रहे हो नौटंकी कर रहे हो, आज अंदर ही ले आओ इसे, ये बॉटल रख देना, हिताक्षी को दे दूंगी थोड़ा सा ना वो भी पी लेगी। ताक्षु लो कैसे सो रही हो? हाँ कैसे सो रही हो, वो ऐसे हो तुम ऐसे, और हम जादूगर हैं, कहीं बन भी गया इतनी जल्दी बन गया पियो पियो, इन्हें बनाया तो नहीं लेकिन उठ के तो चले गए, कोई बात नहीं, मुझे मुझे याद आ गया कि इसमें पहले से रखा हुआ था, अरे रुको रखा हुआ था, अरे जल्दी पी भाई, ये ड्रामे रखा हुआ था, इसमें चीनी और रखी थी, ओ
लिया, अच्छा लगा, बर्फ जमी थी, बहुत ठंडा है ना, लाओ अब मैं पीती हूँ। सो देवियों और सज्जनों, आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, कल मिलेंगे हम आपको एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।